गाइस, मेरा नाम चेतन है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फूड जर्नी विद चेतन। आज हम रिव्यू करने आए हैं अपना ढाबा जो भिलाई छत्तीसगढ़ नेहरू नगर में है। तो यहाँ का जो वेज और नॉन वेज काफ़ी फेमस है और मैं यहाँ पे आज यहाँ के फूड को जो मैं रिव्यू करूँगा और यहाँ के जो ओनर हैं चेतन जंगेल, आपको उनसे भी मैं मिलाऊँगा और वेन्यू तो काफ़ी अच्छा है तो मैं उनसे पूरी बात करके आपको पूरी जानकारी दूंगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वो घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। रहिए मेरे साथ, मैं आपको पूरी जो रेस्टोरेंट की जब आगे वाली जो डिशेज हैं उसके बारे में आपको पूरे बताऊँगा। चले रहिए। हाय गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम आज आए हैं अपना ढाबा और अपना ढाबा के फूड को रिव्यू करेंगे। और मैंने आपको बोला था कि अपना ढाबा के जो ओनर हैं चैतन्य जंगेल, हाँ आपको मैं उनसे मिलाता हूँ। चैतन्य जंगेल, हाय। मेरे इस चैनल फूड जर्नी विद चेतन में आपका स्वागत है। और आपका जो रेस्टोरेंट है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसका इंटीरियर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी नियरेस्ट प्लेस में है, मेन रोड लोकेशन इसकी काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने आपके रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी सुना है कि जो आपके डिशेस के बारे में काफ़ी सुना है, उसका रिव्यू काफ़ी अच्छा सुना है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर आके ज़रूर आपके एरिया में आके फूड ज़रूर ट्राई करते हैं। नॉनवेज और वेज के बारे में काफ़ी अच्छी बातें सुनी है तो मैं इसीलिए आ जाया हूँ और आते साथ आपका रेस्टोरेंट का फूड रिव्यू करना चाहता हूँ। तो आप मुझे बताएंगे कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या ऐसा डिशेस है जो बहुत पॉपुलर डिशेस है, बता सकते हैं आप? चिकन दम बिरयानी हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। ओके। मटन में मटन रोगन जोश हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है। ओके। फिश हमारे यहाँ का फिश जो मसाला है वो काफ़ी फिश भी मिलता है। हाँ, फिश भी अवेलेबल है। फिश फ्राई या फिश कौन सी है, कौन कौन सी फिश आइटम है आपके पास? फिश मसाला हो गया, दही फिश हो गया। ओके, फिश ओके। करी हो गया। ओके। मोस्ट प्रॉब्लम मैंने भिलाई छत्तीसगढ़ में काफ़ी सुना है कि वो फिश के आइटम बहुत कम रहते हैं, फिश फ्राई या फिश के आइटम कोई रखते नहीं है, फिश के डिश नहीं रखते। तो जैसे कस्टमर की जो डिमांड है हम उसके हिसाब से सब प्रिपेयर करते हैं, जैसे कस्टमर को खाना है हम वैसा फिश प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को। और मटन में क्या है? मटन रोगन जोश जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेशल है, जो काफ़ी डिमांडिंग है। और वेज में क्या है? वेज में अगर आप देखेंगे तो सेव भाजी हमारा है, मिक्स वेज काफ़ी बढ़िया बनता है हमारे यहाँ, वेज कोल्हापुरी, वेज दीवानी हांडी। पनीर के आइटम में आप जाना चाहेंगे तो पनीर राजस्थानी, पनीर लच्छेदार, पनीर लाहौरी, जैसे मैंने आपको आज पनीर लाहौरी का टेस्ट कराया जो काफ़ी बढ़िया था। तो चैतन्य, आपने ये कब सोचा कि आप रेस्टोरेंट बिजनेस में आ रहे हैं और आपने ये कब से स्टार्ट किया, पहले ये बताइए। ये हमने स्टार्ट किया 8 जून 2017 को हमने स्टार्ट किया और हमें लगा कि इस एरिया पे एक अच्छा वेज और नॉन वेज रेस्टोरेंट की यहाँ पर नीड थी, इस वजह से हमने यहाँ पर ये ओपन किया। मैंने भिलाई में काफ़ी ये देखा कि वेज रेस्टोरेंट बहुत खुलते हैं, वेज रेस्टोरेंट का ही एक चलन है, बट धीरे धीरे लोगों को एक्चुअली मन में रहता है, कुछ खासकर यूथ जो यंग क्राउड है उनको नॉनवेज खाना पसंद, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो उन लोगों के लिए आपने ये खोला है, काफ़ी अच्छा प्रयास किया आपने। तो आप ये, मैं अभी ये जानना चाहता हूँ, अभी ये जो कोविड-19 का जो टाइम आ गया है, पीरियड आ गया है, कोविड-19 के पहले कैसा था और अभी कोविड-19 के बाद में आपने क्या क्या फेस किया है, मुझे आप बता सकते हैं? कोविड-19 के पहले बताइए, उसके बाद भी। कोविड-19 के पहले सर काफ़ी बढ़िया था, फुटफॉल काफ़ी बढ़िया थे, कस्टमर्स अच्छे आते थे, खाते थे, इन्जॉय करते थे, फूड इन्जॉय करते थे, एम्बियंस इन्जॉय करते थे। मेन एम्बियंस तो आपका काफ़ी बढ़िया है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, पूरा यूथ ओरिएंटेड है और फैमिली ओरिएंटेड। और कोविड-19 के बाद काफ़ी असर पड़ा हमारे बिजनेस पे, कस्टमर मोस्टली नॉनवेज अवॉइड करने लग गए, कस्टमर्स पे र्यूमर फैला हुआ था कि चिकन खाने से स्टार्टिंग पे जनवरी और फेब पे स्टार्ट हो चुका था कि कोरोना चिकन खाने से फैल रहा था, हमारे फूड इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस चीज़ पे। और सेम चीज़ हमारे रेस्टोरेंट के साथ हुई, कस्टमर्स का फुटफॉल अचानक से काफ़ी नीचे गया, कस्टमर काफ़ी अवॉइड करने लगे बाहर आने निकलने के लिए खाने के लिए। एंड आफ्टर लॉकडाउन, अभी धीरे धीरे कस्टमर्स अवेयर होते जा रहे हैं और उस चीज़ को हमने भी काफ़ी अच्छे से कि हम कस्टमर को प्रॉपर यहाँ पर आके सैनिटाइज करवाते हैं, चेयर टेबल प्रॉपर हर एक घंटे में प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं हम। ये काफ़ी अच्छी बात का। हाँ, इसके साथ एक और चीज़ हमने करते हैं कि अगर कोई कस्टमर, हर वो कस्टमर जो हमारे रेस्टोरेंट में आता है, खाने खाने के बाद हम उसे उनका नाम, एड्रेस,
सारा चीज उनसे रखवा लेते हैं ताकि इनके मुझे या मेरे किसी भी स्टाफ को अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो पाए तो हम इजीली वो उनको ट्रेस कर सकें। ये बहुत आपने मतलब बहुत ही अच्छी बात कही। मोस्ट पब्लिक कुछ लोग इन लोग ये सब चीज़ में ध्यान नहीं देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मैंने इनका किचन भी देखा है, काफ़ी सरने से सैनिटाइज किया जा रहा है और जो भी यहाँ पे वेटर काम कर रहे हैं काफ़ी जो पूरा सैनिटाइज से रिलेटेड वाला जो है साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीननेस को काफ़ी मेंटेन किया जा रहा है यहाँ पे। तो आज आप मुझे क्या रिफ़र करेंगे? आज मैं एक्चुअली नॉनवेज नहीं खाता हूँ तो फिर भी वेजिटेरियन में मुझे आप क्या रिफ़र करेंगे बता सकते हैं आप? सर आप पनीर लाहौरी ट्राई कीजिए, वो काफ़ी बढ़िया डिश है। वो एक रिच ग्रेवी में बनता है। यहाँ मोस्टली फैमिलीज जो आती हैं उनको काफ़ी पसंद है क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करते हैं। तो पनीर लाहौरी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, उसके साथ में बटर नान काफ़ी टेस्ट आएगा उस चीज़ का। साथ में आप एक दाल तड़का ले लीजिए, दाल तड़का भी है, दाल डबल तड़का रहता है, काफ़ी बढ़िया है। और जीरा राइस जो है वो काफ़ी बढ़िया है हमारे। ठीक है, आप ऑर्डर कर दीजिए, मैं ज़रूर उसको टेस्ट करूँगा। बिल्कुल। तो गाइस अब हम खाते हैं थोड़ी देर में, अभी हमारा जो ऑर्डर आने वाला है, ऑर्डर जब आ जाएगा तो हम उसको खा के उसका रिव्यू करेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, स्टे ट्यून्ड विद अस। इतना सारा हमने ऑर्डर कर दिया है और मैं आपको तो पहले पनीर का रिव्यू देना चाहता हूँ। पनीर लाहौरी यही है और ये चिकन बिरयानी है अपना ढाबा की जो डिश है। ये जीरा राइस हमने ऑर्डर किया है और हमने ऑर्डर किया है बटर नान और ये है दाल फ्राई ना, दाल तड़का है। आपका जो ये प्रेजेंटेशन है काफ़ी अच्छा है चैतन्य, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पनीर से, पनीर लाहौरी से हम ट्राई करते हैं। गाइस देखिए काफ़ी अच्छा बना है, मतलब ग्रेवी इसकी काफ़ी अच्छी है और लुकिंग वाइज तो बहुत अच्छा है। अब हम टेस्ट देखते हैं। एक हम नान लेते हैं, गाइस नान भी काफ़ी अच्छी है, बटर नान हमने लिया है। काफ़ी अच्छा बना है, चेतन इसकी ग्रेवी काफ़ी अच्छी है, मेरे को इसका काफ़ी मसाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपने इसका मतलब ज़्यादा तीखा नहीं है ना, ज़्यादा कम मसाले से ज़्यादा ऐसा मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं सारे रेस्टोरेंट वाले, मसालेदार में ज़्यादा मसाला डाल देते हैं, नमक मिर्ची ज़्यादा डाल देते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं लग रहा है। और पनीर अच्छे से फ्राई हुआ है, काफ़ी अच्छे से फ्राई हुआ। इसको फ्राई करते हैं आप? हाँ। ओके ओके, तो पनीर काफ़ी अच्छे बना है। एक बार मैं जीरा राइस का आपको स्वाद टेस्ट करके बता देता हूँ। जीरा राइस काफ़ी अच्छा बना है, दाने काफ़ी अच्छे हैं। कौन सा आप राइस यूज़ करते हैं? बासमती राइस यूज़ करते हैं गाइस। वैसे मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा बट चेतन ने मुझे रिफ़र करके ला दिया कि नॉनवेज है ऐसा दिखाओ करके। ये चिकन बिरयानी है गाइस, आप इसको देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से कुक हुआ है और लुकिंग वाइज वो काफ़ी अच्छा, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। आज खाने का दिन रहता तो मैं पक्का इसको खा लिया रहता। ग्रेवी में मिला के एक बार हम राइस को खा के देखते हैं। चावल अच्छा बना है और बासमती का जो है मेन फ्लेवर इसमें अच्छा है। इसमें आप तड़का भी अच्छा से फ्राई करके लगाते हैं, किसमें आप घी में लगाते हैं कि आप ऑयल में है आपका? बटर में करते हैं। ओके, एक बार दाल के साथ, एक बार दाल तड़का ना, दाल तड़का काफ़ी काफ़ी हॉट है। मेरे को इसका आपका जो प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा, जो छोटे से बाल्टी के साथ आपने रखा है गाइस, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है इसका प्रेजेंटेशन, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। स्वादिष्ट है,
काफ़ी बढ़िया है इसका टेस्ट, तड़का भी एकदम एक्यूरेट है गाइस। थोड़ा सा इसके साथ मिला के सलाद भी लेते हैं। ओवरऑल मुझको बहुत काफ़ी अच्छा लगा आपका आपका जो जितने भी डिशेस बनी है मैंने भी खाई है, देखने से भी अच्छी है और खाने से भी काफ़ी स्वादिष्ट है। तो गाइस जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं और जितने भी लोग भिलाई और छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, मैं इस रेस्टोरेंट का जो एड्रेस है डाउन बिलो आपको डाल के बता दूँगा। और होप आपको ये जो फूड रिव्यू आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप ज़रूर आइए अपनी फैमिली के साथ, ये फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फैमिली मेम्बर्स आते हैं और कॉलेज के भी बच्चे आते हैं, सारे लोगों के लिए ओपन है। टाइमिंग चैतन्य आप बता सकते हैं आपका टाइमिंग क्या स्टार्टेज है अभी अभी इस टाइम पर? कोरोना COVID-19 की वजह से अभी हमारा जो टाइमिंग है एक मिनट मॉर्निंग में 12 o'clock से स्टार्ट हो जाता है। और डाइनिंग टाइमिंग कब से स्टार्ट होता है? 12 o'clock मॉर्निंग में स्टार्ट हो जाता है और जो कि रात को 10 बजे तक के डाइनिंग पे है। उसके बाद ये डाइनिंग का टाइमिंग बता रहे हैं का टाइमिंग है ये। और टेक अवे तो अपना जोमेटो स्विगी पे तो चलता ही 12 से 10 बजे तक है, दोनों है। स्विगी पे टेक अवे का टाइम और दो एक घंटा और इंक्रीज है, वो 11 o'clock तक है। तो गाइस स्विगी जोमेटो में है और अपना अपना जो ढाबा है जो भिलाई नेहरू नगर में है, आप स्विगी भी कर सकते हैं, जोमेटो भी कर सकते हैं, टेक अवे में भी आपको मिलेगा। तो गाइस आप इसको खा के आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आप ज़रूर इसको देखिए। और जिन लोगों ने भी मेरा अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है और लाइक किया है, उन सबको मेरा धन्यवाद। और प्लीज़ इस वीडियो को और आप स्प्रेड करें और शेयर करें, लाइक करें और वो घंटे वाला बेल आइकन जरूर दबाएँ। और मुझे थोड़ा सा और लुत्फ़ उठाने दीजिए, बाद में मिलते हैं अगले वीडियो में।